जय माता दी, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और खुश होंगे, ऐसी कामना मैं भोलेनाथ से और माता पार्वती से और माता रानी से करती हूँ कि आप अपने जीवन में खुश रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास का दूसरा सोमवार आने वाला है, तो आप ऐसा क्या करें इस सोमवार को कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बन जाए और माँ लक्ष्मी भी आपके घर आए। भोलेनाथ जो हैं शिव शंकर, वो बहुत ही भोले देव हैं, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। तो हमें धन वैभव के लिए क्या करना होगा? आपको लेने होंगे अक्षत। और अक्षत किन्हें कहते हैं? वो चावल जो साबुत होते हैं, यानी कि टूटे फूटे कटे हुए चावलों को आपको शामिल नहीं करना। आपको अच्छी क्वालिटी के चावल लेने हैं जो कि साबुत हों। आप 250 ग्राम चावल ले सकते हैं। अब आपको किसी शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के पश्चात आपको उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल लेने हैं। अब इन चावलों को आप पहले, जैसे शिव का पूजन करते हैं आप गणेश जी को, माता पार्वती को, कार्तिकेय को, शिव भगवान को जल अर्पित करें, उन्हें स्नान करवाएं, धूप दीप दें, उसके पश्चात आसन लगाकर वहां बैठ जाएं। अब आपको भगवान शिव पर अक्षत अर्पित करने हैं। आपको ज़्यादा अक्षत नहीं लेने हैं, मात्रा वही है 250 ग्राम, बट उस 250 ग्राम में से आपको एक मुट्ठी अक्षत ही लेने हैं। उन अक्षत को आप बिल्कुल धीरे धीरे कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें। आप ज़्यादा बार भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 108 बार तो आप करें। धीरे धीरे उन अक्षतों को, चावलों को आप भगवान शिव पर अर्पित करें। उनसे धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। धन संबंधी आपकी जो भी समस्या है वो भोलेनाथ के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी जो भी आर्थिक परेशानी है उनको समाप्त कर आप पर प्रसन्न हो और आपको की जो समस्या है धन से संबंधित, धन का अभाव है या ज़्यादा खर्च होता है या धन से संबंधित जो भी समस्या है वो उनके सामने रखें। अवश्य ही वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और जो बचे हुए अक्षत हैं, अब आपको उनका क्या करना है? उनको भगवान शिव का प्रसाद स्वरूप समझकर आप घर ले आए और उसकी आपको खीर बनानी है। बचे हुए चावलों की खीर बनाकर आपको शाम के समय भोग लगाना है भगवान शिव को। आप घर पे भी लगा सकते हैं ये भोग। गाय एक रोटी निकालिए खाने में और उस पे रख के उस खीर को भगवान को भोग लगा के गाय को दें और फिर सभी परिवारजन उसको खा लें। भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य बनेगी और धन से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी वो अवश्य ही समाप्त होगी। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। खुश रहें। जय माता दी। जय शिव शंकर।